देखिए इस वक्त जो अपडेट है वो पटना के सिटी एसपी बाहर निकल रहे हैं और हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि क्या अपडेट निकल कर आया है पटना एयरपोर्ट से। जांच करने के बाद जो है तमाम सिटी एसपी सिटी एसपी बोलने से बच रहे हैं, कहीं ना कहीं सिविल ड्रेस में सिटी एसपी जो है इसी गाड़ी में पटना के सिटी एसपी हैं। इस वक्त पटना एयरपोर्ट पर हम तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं, कोई भी अधिकारी बोलने से साफ तौर से कहीं ना कहीं परहेज कर रहे हैं। तो इस वक्त जो पटना एयरपोर्ट पर तस्वीरें हैं वो हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से जो इसी एम्बुलेंस में व्यक्ति जो था उसी ने इस बात की सूचना दी कि मेरे पास बम है, पटना जो फ्लाइट है इंडिगो उसमें बम है। उसके बाद जो है तस्वीरें पटना एयरपोर्ट पर काफ़ी बदल गई है और CISF ने पूरी तरीके से अपने कब्जे में पटना एयरपोर्ट पर पूरी तरीके से कड़ी सुरक्षा के बीच ले ली है। और इस वक्त तस्वीरें पटना एयरपोर्ट पर से हम तस्वीरें इस वक्त जो हम दिखा रहे हैं आपको पटना एयरपोर्ट पर, पहले की जो हमने खबरें दिखाई थी दिल्ली जाने उड़ान भरने के दौरान जो है इस बात की सूचना जब इसी एम्बुलेंस में व्यक्ति जो मौजूद था उसी ने इस बात की सूचना दी तो इंडिगो एयरलाइंस को ये जो है पूरी तरीके से रद्द कर दी गई। 8:45 पर उड़ान भरना था, बम स्क्वाड की टीम अंदर में पूरी तरीके से जाँच कर रही है और बम स्क्वाड की जो टीम है वो यहाँ पर पूरी तैयारी कर रही है आगे की जाँच करने के लिए। एक एक यात्री को उतार दिया गया है और वेटिंग रूम में रखा गया। तो इस वक्त जो नज़ारा है हम पटना एयरपोर्ट पर से आपको दिखा रहे हैं इस वक्त लाइव तस्वीरें, और पटना एयरपोर्ट की सुरक्षा CISF के पूरे कस्टडी में आ गई है और पूरी तरीके से यहां पर CISF के जवानों ने सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। कई पुलिस फोर्स की तैनाती यहां पर पटना एयरपोर्ट पर कर ली है। अभी CTSP अमरीश राहुल यहां से निकले हैं, उनकी पूरी जानकारी, लेकिन पत्रकारों को उन्होंने कोई जानकारियां नहीं दी, पत्रकारों से बसते हुए नजर आए और सीधा वो रवाना हो गए। तो इस वक्त जो नज़ारा है पटना एयरपोर्ट पर CISF के जवानों की तैनाती पूरी तरीके से कड़ी कर दी गई है। डॉग स्क्वाड की टीम, CID की टीम जो है और ED की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँची है, डॉग स्क्वाड की टीम पहुँची है। तमाम जाँच की प्रक्रिया जो है वो चल रही है पटना एयरपोर्ट पर, और जैसे ही इस बात की सूचना मिली कि पटना एयरपोर्ट पर बम है, पटना एयरपोर्ट के प्लेन में बम है, उसके बाद जो है पूरी तरीके से अफरा तफरी का माहौल हो गया और इस बात को लेकर अभी भी चर्चा तेज़ है और पटना एयरपोर्ट पर पूरी तरीके से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पटना एयरपोर्ट से हम नज़ारा इस वक्त लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा पूरी बढ़ा दी गई है और जो दिल्ली की उड़ान भरने वाली इंडिगो एयरलाइंस की जो फ्लाइट है वो रद्द कर दी गई है और कई फोर्स की तैनाती यहाँ पर CISF ने अपने कस्टडी में ले ली है और सूचना मिलने के बाद पूरी तरीके से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देखिए CISF ने अपने कस्टडी में ले ली है और ये तस्वीरें, दिल्ली जाने वाली फ़्लाइट जो है वो रद्द कर दी गई है। 8389 जो फ्लाइट है आज 8:45 पर प्लेन की उड़ान भरनी थी तभी प्लेन को रद्द कर दिया गया। तो इस वक्त पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा पूरी तरीके से बढ़ा दी गई है। पटना एयरपोर्ट पर CISF के जो जवान हैं वो यहां पर मौजूद हैं और कई जो ब्लैक कमांडेड फोर्स है वो बुला लिए गए हैं पटना एयरपोर्ट पर। ब्लैक कमांडेड की फोर्स यहां पर तैनात है और डॉग स्क्वाड की टीम, तमाम जो है कहते हैं CID की भी टीम यहाँ पर पहुँच गई है, पूरी तरीके से जांच कर रही है पटना एयरपोर्ट पर। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि जो व्यक्ति ने इस बात की सूचना दी है वो मेंटली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, मेंटली है, और इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है, पूरी तरीके से जाँच कर रही है। पटना एयरपोर्ट पर अंतिम उड़ान भरने वाली फ्लाइट को रद्द की गई आनन फानन में और इस बात की जैसी सूचना दी गई, जिस बात से जो है वो सूचना मिलने के बाद पूरी तरीके से पटना एयरपोर्ट पर नज़ारा इस वक्त हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कोई भी अधिकारी बोलने से बचते हुए नज़र आ रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। ख़ास तौर पर बात करें तो पटना एयरपोर्ट पर पूरी तरीके से यहां पर सुरक्षा बढ़ाई दी गई है। इस वक्त लाइव तस्वीरें हम आपको पटना एयरपोर्ट पर से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इसी एम्बुलेंस में जो मरीज हैं उनके परिजनों ने इस बात की सूचना दी कि पटना एयरपोर्ट पर बम है। आपको बता दें कि अपने माता पिता को लेकर उड़ान जा रहे थे दिल्ली, गुरप्रीत नाम इस व्यक्ति का, जो इस बात की सूचना दी दिल्ली से जा रही इंडिगो फ्लाइट में सवार होने के बाद खुद को ही कहा कि इसमें बैग में बम है। उसके बाद तलाशी ली गई लेकिन बम नहीं मिला तो युवक ने हिरासत में ले लिया गया है और एहतियात के लिए सभी यात्रियों को विमान से उतारकर सभी यात्रियों को
सामान की जांच की जा रही है। वहीं फ्लाइट को 8:45 पर उड़ान भरने वाली थी, तभी इस बात की सूचना हुई और उसके बाद जो है अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस वक्त लाइव तस्वीरें पटना एयरपोर्ट पर देख रहे हैं, किस तरीके से सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अफरा तफरी का पूरी तरीके से पटना एयरपोर्ट पर माहौल है। और जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है पटना एयरपोर्ट पर से, वो हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं कि इस वक्त पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। CID की टीम जो है वो यहाँ पर है। बड़ी जो अधिकारी हैं, पटना जिलाधिकारी हों, पटना SSP हों, CTSP हों, तमाम अधिकारी इस बात की सूचना ले रहे हैं और पल पल की जो अपडेट है वो ले रहे हैं पटना एयरपोर्ट से। CISF के जो जवान हैं यहाँ पर पूरी तरीके से कड़ी सुरक्षा में तैनात हैं और पूरी तरीके से जांच की जा रही है कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसका खास तौर पर ख्याल रखा गया। तो इस वक्त जो पटना एयरपोर्ट पर से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो फोर्स की तैनाती की गई है, खास तौर पर ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से जिस फ्लाइट की रद्द की गई है, कैंसिल किया गया है, वो फ्लाइट यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक फ़्लाइट जो है वो गुवाहाटी की है, जस्ट उसके ऊपर दिल्ली के लिए जो उड़ान भरनी थी वो रद्द की गई है 8389, यानी कह सकते हैं कि इसी फ्लाइट से उड़ान भरना था 8:45 पर, तभी जो है फ्लाइट को रद्द की गई है। ये तस्वीरें इस वक्त एक्सक्लूसिव दिख रहा है किस तरीके से फ़्लाइट को कैंसिल किया गया है। और देखिए ये जो दिल्ली वाली उड़ान भरने वाली जो फ़्लाइट है वो रद्द की गई है और इसी फ्लाइट से लोगों को दिल्ली जाना था, तभी इस फ्लाइट में सूचना मिली कि जो फ्लाइट में बम है, जिसके बाद जो है अफरा तफरी का माहौल हो गया और यहाँ पर पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा पूरी तरीके से CISF के हवाले कर दी गई है और पूरी तरीके से वो तैनात हैं किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि पटना में लगातार आतंकवादी गतिविधियाँ सूचनाएँ मिल रही थी और जिसके बाद जो है स्थिति पूरी तरीके से भयावह हो चुकी है पटना एयरपोर्ट पर। तो देखिए किस तरीके से जो है पटना एयरपोर्ट पर नज़ारा है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से, देखिए डॉग स्क्वाड की टीम को भी हम दिखाते हैं किस तरीके, डॉग स्क्वाड की टीम जो है वो पहुंच गई है जांच करने के लिए और जो ब्लैक कमांडेड फोर्स है वो पहुंच गई है पटना एयरपोर्ट पर। हम देख रहे हैं स्पेशल फोर्स बुलाए गए हैं और ये तस्वीरें पटना एयरपोर्ट पर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो पहुंची है। डॉग पूरी तरीके से हाथ में है और जांच की जो प्रक्रिया है उसके इसके हवाले है, डॉग स्क्वाड के पास है और पूरी तरीके से जांच करेंगे और जांच करने के बाद जो है आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। तो पटना एयरपोर्ट पर इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है, पूरी स्थिति जो है वो भयावह है और जांच करने के बाद जो है सुबह किस तरीके से अगली जो फ्लाइट उड़ान भरनी होगी उससे पहले पूरी तरीके से जांच की जाएगी और पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो स्पेशल फोर्स है वो बुलाए गए हैं और जो कई यात्री हैं उन्हें अभी वेटिंग रूम में रखा गया है और साफ तौर से यहाँ तस्वीरें जो है नज़ारा हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम अधिकारी जो हैं अंदर में जाँच करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस वक्त पटना एयरपोर्ट पर हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भयावह स्थिति बनी हुई है पटना एयरपोर्ट पर। अफरा तफरी का माहौल है, पूरी तरीके से सन्नाटा तो भले पसरा है पटना एयरपोर्ट पर, लेकिन जितने भी यात्री जो उड़ान भरनी थी 8:45 में इंडिगो एयरलाइन से, वो अब रद्द कर दी गई है। अब आगे की उड़ान की जो समय है वो जाँच करने के बाद ही पता चल पाएगा कि आगे की जो उड़ान है वो क्या है, ये तमाम जानकारियाँ ली जाएगी। और इस वक्त जो पटना एयरपोर्ट पर स्थिति बहुत ही भयावह दिख रही है और बम होने के सूचना मिलने के बाद जो है पूरी तरीके से कह सकते हैं कि सूचना मिलते ही और तो ये देखिए जो रद्द लिखा गया है वो हमने आपको दिखाई कि कौन सी फ्लाइट रद्द की गई है और तस्वीरें इस वक्त लाइव है और हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं इस वक्त तस्वीरें पटना एयरपोर्ट से कि डॉग स्क्वाड की टीम से लेकर बॉम्ब स्क्वाड की टीम जो है वो पटना एयरपोर्ट पर जांच करने के लिए पहुंच चुकी है और जांच की जा रही है। आगे की जो जो अपडेट हैं वो देखिए, जो परमजीत सिंह हैं उनके परिवार के लोगों ने इस बात की सूचना दी, परमजीत सिंह बाहर हैं और परमजीत सिंह ने ही इस बात की सूचना दी थी। देखिए किस तरीके से एयरपोर्ट के जो अथॉरिटी हैं उनसे बातचीत हो रही है परमजीत सिंह की और इन्हीं ने इस बात की सूचना दी है कि पटना एयरपोर्ट पर बम है, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया, तमाम अधिकारियों को आनन फानन में पटना एयरपोर्ट पर पहुँचना पड़ा और जाँच के लिए पूरी तरीके से प्रक्रिया की जा रही है। ये इस वक्त तस्वीरें एक्सक्लूसिव देख रहे हैं, यही परमजीत सिंह हैं
जिन्होंने सूचनाएं दी, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया पटना एयरपोर्ट पर। यह तस्वीरें देखिए किस तरीके से, पटना एयरपोर्ट पर जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इसी में इनके माता पिता हैं जो पारस अस्पताल में एडमिट थे, अब उन्हें दिल्ली के लिए भेजा जा रहा है। जिसके बाद ये स्थिति बनी पटना एयरपोर्ट पर, अफरा तफरी का माहौल बना और अब जो है आगे की प्रक्रिया की जा रही है जाँच को लेकर। तो पटना एयरपोर्ट से हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सुरक्षा बढ़ाई गई है और तमाम जो जांच की प्रक्रिया है वो की जा रही है और किस तरीके से जो फ्लाइट है दिल्ली के लिए जो उड़ान भरने थी इंडिगो वो रद्द कर दी गई है, क्योंकि इस बात की जब सूचना मिली तो आनन फानन में फ्लाइट को रद्द करना पड़ा। तमाम यात्रियों के बैग जांच की जा रही है, यात्री की जो सामग्रियाँ हैं उसे खोल खोल कर बम स्क्वाड की जो टीम है वो जांच कर रही है, लेकिन अभी तक बम मिलने की सूचना अंदर से नहीं आई है। इस बात की सिर्फ कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये सूचना मिली है कि बम है, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पटना एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है, डॉग स्क्वाड की टीम से लेकर बम स्क्वाड की टीम जो पहुँच चुकी है, तमाम जाँच की जो मशीनें हैं वो पहुँच चुकी है और जांच की जा रही है। तो यानी कह सकते हैं कि पटना एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है, लोगों के अंदर डर है, भय है, क्योंकि उनके कई परिजन जो हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी बेसब्री से, क्योंकि जिस तरीके से पटना से दिल्ली के लिए उड़ान भरना था और तमाम उनके परिजन परिवार के लोग जो हैं पटना एयरपोर्ट से लेकर दिल्ली एयरपोर्ट तक के खबर पर नज़र बनाए हुए हैं कि आखिर क्या हुआ ऐसा कि जो फ्लाइट को रद्द करना पड़ा। तो इसके वजह से इस बात की सूचना मिलते ही पूरे तरीके से पूरे देश में हरकंप समझ गया है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियां पटना में बढ़ी हैं इन दिनों, पीएफआई के दफ्तरों पे छापा पड़ा है, कई आतंकवादी पकड़े गए हैं, कई व्हाट्सअप चैट जो है वो मिले हैं, ये तमाम बिंदुओं पर जांच की जा रही है। क्योंकि पहले से ही जो है एनआईए की टीम ने अलर्ट जारी किया था और प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के आगमन से ठीक पहले इस बात की सूचनाएं मिल रही थी कि कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधियां पटना में हैं और इसको लेकर पूरे बिहार में अलर्ट रखा गया था और पूरी तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। तो कह सकते हैं कि कई जिलों में जो है आतंकवादी पकड़े गए हैं और आज की बात करें तो पटना एयरपोर्ट पर जब बम मिलने की सूचनाएं मिली इस बात के बाद जो है पूरी तरीके से कड़ी सुरक्षा कर दी गई है पटना एयरपोर्ट पर। सीआईएसएफ के जवान, स्पेशल फोर्स, कई फोर्सों की तैनाती पटना एयरपोर्ट पर कर दी गई है। तो यानी उसको लेकर कड़ी सुरक्षा के बीच जो है अब जांच की जा रही है इंडिगो एयरलाइंस को, क्योंकि पूरी तरीके से जांच करने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर बम कहाँ है। क्योंकि जिस तरीके से इस बात की खबरें निकलकर सामने आई कि जो इंडिगो एयरलाइंस में बम है, इस बात से पूरी तरीके से यात्री डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और उनके परिजन जो हैं पूरी तरीके से डर गए हैं और सहमे हुए हैं। उनके परिजन जो हैं वो दिल्ली एयरपोर्ट पर इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उनके परिवार के लोग पटना एयरपोर्ट से चढ़कर वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे, तभी इस बात की सूचना मिलने के बाद पूरा हड़कंप सा मचा हुआ है पटना एयरपोर्ट पर। तो कह सकते हैं कि इसी एम्बुलेंस में उनके परिजन जा रहे थे, तभी इस बात की उन्होंने सूचना दी कि पटना एयरपोर्ट पर बम है, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। जो तमाम अपडेट थे हमने दर्शकों से बताया, क्योंकि जिस तरीके से इन दिनों बिहार और पटना में खास तौर पर आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं, इसको लेकर कुछ दिन पहले पटना के फुलवाड़ी शरीफ में भी ये बात की सूचनाएं जो फुलवाड़ी शरीफ के जो एएसपी हैं मनीष कुमार सिन्हा, उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी, पटना एसएसपी ने जानकारी दी थी कि पीएफआई के द्वारा आतंकवादी गतिविधियां तैयार किए जा रहे थे और 2047 तक इस देश को इस्लामिक स्टेट बनाने की बात सामने आई थी। तो तमाम खुलासे हुए थे और खुलासे के बाद लगातार आतंकवादी गतिविधियां पर नज़र बनाई हुई थी एनआईए की टीम, बिहार पुलिस, पटना पुलिस, और आज इस बात की सूचना मिलने के बाद और पूरी तरीके से सजग हो गई है पटना एयरपोर्ट पर और फोर्स की तैनाती सीआईएसएफ के जवान को तैनाती कर दी गई है, उनके स्टडी में कर दी गई है पटना एयरपोर्ट पर, किसी तरह की कोई घटना ना हो। इसी एम्बुलेंस से जो व्यक्ति पटना एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरना था, तभी जो इस बात की सूचना मिली और अब जो है इस एम्बुलेंस को जांच की जाएगी और वहां पर बम स्क्वाड की टीम जो है वो मौजूद है। तमाम अपडेट्स जो हैं हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं, लेकिन पूरे यात्री जो हैं अभी ये जो है वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या आगे के जो अपडेट आएंगे एयर अथॉरिटी, एयरपोर्ट्स के अथॉरिटी के द्वारा, उसके बाद ही प्लेन को उड़ान भरा जाएगा। क्योंकि जब तक पूरी तरीके से जाँच प्रक्रिया पूरी ना हो जाए तब तक किसी तरीके से उड़ान नहीं भरेगा ये प्लेन, क्योंकि
जैसे ही ये बात सूचना मिली कि ये प्लेन में बम है, उसके बाद से ही पूरा अफरा तफरी का माहौल हो चुका है पटना एयरपोर्ट पर। तो इस वक्त हमारे सहयोगी आलोक कुमार के साथ हम बने हुए हैं, लगातार इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं। जैसे ही इस बात की सूचना हमारे तक पहुंची, हमने अपने दर्शकों से भी साझा किया, तो अभी तक जो भी हम इस एयरपोर्ट की से जुड़ी हुई खबरें थी वो भी हमने दर्शकों से साझा किया है। तो कह सकते हैं स्पेशल फोर्स CISF के जवान, तमाम जो यहाँ के पटना की पुलिस है वो पहुँच गए हैं, तमाम अधिकारी पुलिस अधिकारी पहुँचे हैं। CTSP से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात करने से भी इनकार किया है और सीधा वो रवाना हो गए। तो यानी अभी किसी तरह की कोई खबरें सामने निकल कर नहीं आ रही है, लेकिन ये खबर ज़रूर कहीं ना कहीं साबित होता हुआ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पटना के एयरपोर्ट के अंदर जो है बम की खबरें आई, उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो चुका है। तो पूरी खबर हम जो अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं, हम अपने सहयोगी आलोक कुमार के साथ ऐसे ही बने रहें, क्योंकि आगे जो अपडेट आएंगे हम अपने दर्शकों से ज़रूर साझा करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें दस न्यूज़ के साथ और देखते रहें दस न्यूज़। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क। अगर आप भी UPSC या JPSC परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए द प्रयास इंडिया रांची को। द प्रयास इंडिया रांची में आपको बेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग सेशंस, स्टडी मटेरियल के साथ टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन करें द प्रयास इंडिया रांची और अधिक जानकारी के लिए आप 8355951603 पर कॉल करें या फिर theprayasindia.com पर विजिट करें।